गुड आफ्टर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मदर्स डे और हम काटेंगे अब केक मदर्स डे का। बच्चों ने मंगवाया है तो करिए एंजॉय हमारे साथ। साल में होते हैं 365 दिन, तो इसमें 8 मई को मदर्स डे के रूप में चुना है और बच्चों का एंजॉय भी हो जाता है केक के साथ में। तो आ गया है जी हमारा केक और मनाते हैं बच्चों के साथ मिलकर मदर्स डे। सभी मदर्स को शुभ हो ये डे। ये है ब्लूबेरी केक। आज मदर्स डे है, इसलिए बच्चों ने केक मंगवाया है तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ब्लूबेरी केक है, इसको कट करके खाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं। और मैं नेक्स्ट डे की बात कर रही हूँ। आज है दुर्गाष्टमी और मेरा फास्ट है। मैं कैसे क्या क्या बनाऊँगी क्या आपके साथ पूरे दिन शेयर करूँगी। तो अभी मैंने पी है चाय और बनाने जा रही हूँ अपनी सब्जी। तो बच्चों के लिए बना रही हूँ काशी फल पराठा और अपने लिए भी बनाऊँगी कुछ। तो बने रहिए चैनल पर। तो ये बन रहा है मेरा काशी फल। मैंने थोड़ा व्रत के टाइप का ही बनाया है। ये मैंने तिल के तेल, हींग जीरे से और हल्दी मिर्च डाल के बस टोंक दिया है। मेरा मन करेगा तो मैं भी ले लूँगी उसको। तो अभी ये गला नहीं है, बस इसमें थोड़ा गुड़ डालूँगी और ये बन के तैयार हो जाए। तो अभी मेरा खासी फल बन के तैयार है। थोड़ा मैंने ज़्यादा ही बना लिया है, नेक्स्ट टाइम ये एडिशनल सब्जी के रूप में चलेगा तो मिक्स कर बना लिया जाएगा। पराठे की स्टफिंग तैयार। इसमें डाला है मैंने नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, हरा धनिया, कसूरी मेथी, घी और हींग। इसको सब मिक्स करके पराठे में स्टफ करके बनाऊंगी तो टेस्टी पराठा बनेगा। कसूरी मेथी और सूखे हरी धनिया की पत्तियों से पराठे में अलग ही फ्लेवर आया है। बहुत ही टेस्टी बने, बहुत ही करारे। और अब मेरा व्रत था तो मैंने बनाया था अपने लिए। थोड़े से आलू डरते डरते खाए हैं, आलू खा के दिक्कत हो जाती है। और मैं शाम में भी कुछ अपने लिए बनाऊंगी और सबका हो गया है खाना वगैरह। तो अब मैं चल रही हूँ किचन में, बनाती हूँ। और ढेर सारा मैंने पुदीना मंगवाया है मंडी से और उसमें की बनाऊंगी चटनी, हरी मिर्च डाल के चटनी, टमाटर डाल के। और एक नई तरह की मैं हरी मिर्चों को छोंकूंगी, उन्हें कई दिन तक रख सकते हैं। तो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, चलिए। और अब ये बन रहे मेरे समा के चावल। कुछ भी बनाने का मन नहीं हो रहा है और पतले से पुदीने की चटनी के साथ व्रत में खाए जाने वाले ये चावल फटाफट बन जाने वाले हैं। तो ये बने हैं मेरे समा के चावल, पतले पतले, बहुत ही टेस्टी पुदीने की चटनी। चटनी को बनाया मैंने टमाटर, हरी मिर्च, पुदीना और थोड़ा सा जीरा। और ये है थोड़ा सा फ्रेश पनीर। ये है साबुत लाल मिर्च और ये है धनिया। इनको ग्राइंड करके मैं घर के लिए मसाले बनाऊंगी। पैकेट में साफ ही आते हैं तो ये बनाए हैं मैंने। तो ये बनाए मैंने चिली फ्लेक्स और धनिया। इसे आप घर पे बना लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बनाने जा रही हूँ एक अचारी मसाला जो हम सूखी सब्जियों में डालते हैं, बैंगन है, भिंडी है, जो भी सूखी सब्जी बनाएंगे टिंडा इन दिनों में, उसके लिए एक अचारी मसाला बनाने जा रही हूँ। उसके लिए जो मैं चीज़ डालूंगी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, दिखाती हूँ आपको। इसमें डाली है मैंने मेथी, धनिया, सौंफ और काली जीरी। इनको थोड़ा दरदरा कर लेंगे और इससे करेले वगैरह में या भिंडी में ये सब अचारी मसाला चलता है। जो भी अचारी टाइप की सब्जियां बनानी है आपको तो ये मसाला जरूर डालें। और ये अचारी मसाला है, दरदरा इसको कूटना है यानी कि मिक्सी में ग्राइंड करना है। चीज एक ही साथ पीसनी होती है तो सबसे पहले मिर्च, फिर धनिया और फिर ये मसाला, इस तरह से इनको पीसना चाहिए। तो ये है मेरी तीखी हरी मिर्च, इनको मुझे फ्राई करना है। इसके लिए इनको क्या क्या डालना है, तो सबसे पहले लीजिए कढ़ाई। इनके लिए तेल थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि इनका प्रोटेक्शन करता है सरसों का तेल। सबसे पहले डालेंगे इसमें साबुत धनिया और सौंफ। डाल के ये सारे मिर्चों को डाल दें।
तरफ डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसके बाद डालिए मैंने थोड़ी सी कुटी हुई राई, अगर आपके पास कुटी हुई नहीं है तो उसे साबुत भी डाल सकते हैं छौंक में, जब धनिया डालते हैं और सौंफ डालते हैं। अब इसके बाद डाला है मैंने वो अचारी मसाला जो कि मैंने बना के रखा है 3-4 चीज़ का, जिसमें मेथी, धनिया, सौंफ वगैरह, उसको डाल के चला दीजिए। और नींबू का जूस डाल के इसे 5 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, आपका अचार एकदम रेडी है। पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, धीमी आँच करके इसे ढक देंगे एयरटाइट लीड से और बस 5 मिनट में ही रेडी है। तो ये मैंने बनाई है आज तोरी, आपसे बोला था कि तोरी थोड़ी अच्छी आने लगेंगी तब मैं बनाऊंगी सूखी, अभी ना आप सूखी समझिए या गीली, मैंने इनमें एक बूंद भी पानी नहीं डाला है। और दूसरा तरीका बिल्कुल सूखी बनाने का होता है, बट इतना भी क्यों पानी फूंकना है, इसलिए इसको पौष्टिक सब्जी के रूप में खाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा करेगी, बहुत ही टेस्टी बनी है, एकदम मिठास होता है इस टाइम की तोरियों में। और बनाकर देखिए जो आजकल तोरी आ रही है बेहतरीन। और ये मेरा मिर्च का अचार बन के एकदम रेडी हो गया है, बहुत ही खट्टा और बहुत ही चटपटा है ये, बहुत कम खाया जाएगा, ये बहुत तीखी मिर्चें हैं, तो इन्हें आप अगर थोड़ा विनेगर डाल देंगे तो बाहर भी रख सकते हैं, और विनेगर आपको नहीं डालना है तो नींबू के जूस से काफ़ी खट्टी हो गई हैं, और इन्हें आप फ्रिज में किसी कांच के बोल में या जार में भर के रख दीजिए, ये आप 8 दिन आराम से चला सकते हैं। तो अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ कल फिर मिलती हूँ, गुड बाय। और अंत में एक महत्वपूर्ण सजेशन है, सभी लोग नाश्ता ज़रूर करें क्योंकि रात लंबी होती है, सुबह सुबह ज़रूर कुछ से कुछ खाना चाहिए। बाय बाय।